एक गांव जंगल के किनारे बसा था। जंगल में लोग टहलने जाया करते थे। तो एक दिन एक बूढ़े व्यक्ति को एक बिल्ली दिखाई दी जो पेड़ के बिल में फंसी हुई थी। बिल्ली बाहर निकलने की कोशिश करती तो वह नहीं निकल पा रही थी। तो बूढ़े व्यक्ति को उस पर दया आ गई। उसने उसे निकालने की कोशिश की तो बिल्ली ने डरकर पंजा मार दिया। दो तीन बार ऐसा हुआ। बूढ़ा व्यक्ति हाथ बढ़ाता और बिल्ली पंजा मार देती है। एक आदमी पास ही खड़ा यह सब हैरानी से देख रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम इसे इसके हाल पर छोड़ दो, नहीं तो ये तुम्हें इसी तरह पंजा मारती रहेगी। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बातों को अनसुना कर फिर कोशिश की तो किसी तरह उसने उस बिल्ली को बाहर निकाल दिया। बिल्ली को छुड़ा वह बूढ़ा आदमी उस आदमी के पास गया और बोला, बिल्ली का तो स्वभाव ही पंजा मारना है, लेकिन इंसान के स्वभाव में दया और सहानुभूति होती है। उस बिल्ली ने अपना स्वभाव दिखाया और मैंने अपना स्वभाव। हाँ तो बच्चों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी के साथ अपनी प्रकृति के अनुसार व्यवहार करो, ना कि उसकी प्रकृति के अनुसार। हमें दूसरों के प्रति दया और प्रेम की भावना रखना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपू प्रजापति है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।